हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कूटर के बाद ओला इलेक्ट्रिक अब अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने पर काम कर रही है। अपनी इलेक्ट्रिक कार की न्यू फैक्ट्री के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने लैंड देखना भी शुरू कर दिया है। टोटल 6 स्टेट्स यहां पे लैंड के लिए चुने गए हैं। इनमें यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात शामिल हैं। इन 6 स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और यहाँ पे वाराणसी के आसपास ओला इलेक्ट्रिक को लैंड दिया जा सकता है। 1000 एकड़ के लैंड को ओला इलेक्ट्रिक अपने न्यू प्लांट के लिए तलाश कर रही है। इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक 10,000 करोड़ रुपीस का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी। इस न्यू प्लांट से जो इलेक्ट्रिक कार बन के निकलेगी उसकी कीमत 10 लाख रुपीस के अंदर रहने वाली है। कुछ समय पहले ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भवीश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन को टीज किया था। कार के डिजाइन के बारे में तो अभी कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया है कि ये कार अफोर्डेबल होने वाली है। फिलहाल इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी है, जिसकी कीमत 12.5 लाख रुपीस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में ओला इलेक्ट्रिक अपनी न्यू इलेक्ट्रिक कार को रिवील करेगी। बहुत लोग इंडिया में टेस्ला का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इलॉन मस्क ने ये साफ कर दिया है कि टेस्ला इंडिया में एंट्री नहीं करेगी। तो ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की खुद की टेस्ला बनने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, ओला की न्यू इलेक्ट्रिक कार के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।